हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे फ्रेंड्स टमाटर से बिल्कुल नए तरीके के स्नैक्स। फ्रेंड्स, कुछ शाम के टाइम चटपटा खाना हो तो आप ये स्नैक्स बना के तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में स्नैक्स बन के तैयार हो जाती है। चलते हैं फ्रेंड्स रेसिपी को। इसको बनाने के लिए 3 बड़े साइज की टमाटर ली हूँ। टमाटर को अच्छे से धो ली हूँ और साफ करके मैं मोटे मोटे स्लाइस कट कर रही हूँ। जितना हो सके फ्रेंड्स उतना मोटा कट करना है और बड़े ही साइज का टमाटर लेना है। छोटा टमाटर का ये स्नैक्स नहीं बन पाता है फ्रेंड्स। और इसके बीच वाला पार्ट है, इसको हम चाकू की मदद से काट के निकाल लेंगे। मैं सारे टमाटर के बीच वाली पार्ट निकाल ले रही हूँ। मैं सारे पार्ट को निकाल ली हूँ। जो पार्ट निकला हुआ है इसको बारीक बारीक चॉप कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसको चॉपर में डाल के चॉप कर सकते हैं। मैं चाकू से ही बिल्कुल बारीक बारीक छोटा छोटा चॉप कर ले रही हूँ। फटाफट इसको भी चॉप करके एक बॉल में इसको भी हम डाल लेंगे। इसमें कुछ मसाले डालेंगे, कुछ सब्जियाँ भी डालेंगे। 2 बारीक कटा हुआ हम हरी मिर्ची डाल रहे हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटा है। और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ बारीक कटा हुआ। 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। 1/2 कप हम बेसन डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच मैगी मसाला डाल देंगे। और इनको डाल के मिक्स करके 1/2 कप पानी डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बैटर तैयार कर लेंगे, एक होल। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कम ही पानी डालना है। आप देख सकते हैं इतना ही पेट फीलिंग रखना है। और इसको बनाने के लिए फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन को गर्म करके 2 चम्मच तेल डाल देंगे और अच्छे से तेल को फ्राई पैन में चारों तरफ हम लगा देंगे। और उसके बाद जो हम टमाटर का रिंग काट के रखे हैं उसको रख देंगे। 4 या 5 रख सकते हैं, जितना आपके फ्राई पैन में आता हो उतना रख दीजिए। उसके बाद जो हम फिलिंग्स बना के रखे हैं उसको डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा ही करके डालेंगे फ्रेंड्स, एक बार ज़्यादा नहीं डालेंगे। बाहर नहीं आना चाहिए, बस वो रिंग में ही रहे उतना ही डालना है। मैं फटाफट सारे रिंग में डाल दे रही हूँ। और इसको डाल के हम ढक के लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। आप हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो बार बार चेक करिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो नीचे से जल जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऊपर से डाल देंगे, थोड़ी सी वाइट तेल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ढक के। उसके बाद पलटा की मदद से इसको हम पलट लेंगे। आसानी से निकल जाती है फ्रेंड्स बेसन है तो, थोड़ी सी मुश्किल आती है लेकिन आराम से पलट जाती है। उसके बाद पलट के भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही पका लेंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर फ्रेंड्स मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, अगले वीडियो मिलेंगे।